फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधुशर घाटी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत फुलारियों से करते हैं। तो आज फुलारियों का है छठवां दिन और ये जा रही है यहाँ पे फुलारी। अभी घुटा माता भी आता है। सबसे पहले आप ये जाएंगे कालिंका मंदिर में, वहाँ परिक्रमा करेंगे। लेकिन पानी चाहिए तो माता मावती है रेवा जैसे ने के मेरो छे नमस्ते यो दिए के चाच स्कूल पाड़ी ऐसे पी ठीक है पी ठीक से पी गंदा बच्चा कहेगा बनाया बड़ा मजा आया कुछ तरह आइए कुछ तो रिसु आ गया अंदर मौसी को ढूंढते हुए। कहाँ है तितली? ऊपर। ये चाहिए तितली चाहिए। हो गया। थैंक यू थैंक यू। तो ये शैतान चला गया बाहर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने रिसु की शैतानी तो देख ली होगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज दिन भर तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाई, थोड़ा तबीयत खराब है इस कारण ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। पर थोड़ी देर बाद मैं घोगा की आरती में जाऊंगी और आप सभी लोगों को घोगा की आरती दिखाऊंगी वहां। तो उससे पहले आप सभी को मैंने हरियाली त्यौहार के बारे में एक ब्लॉग दिया था, पहले बताया था। और मैंने बताया था कि चेत माह लगने के बाद 15वें दिन हमारे यहाँ हरियाली का त्यौहार मनाया जाता है। उसके लिए मम्मी ने हरियाली उगाने के लिए रखी हुई थी, हरियाली जमाने के लिए रखी हुई थी। तो आज चेत माह का छठवां दिन है फुल देई का। तो मैं आप सभी को लोगों को बताऊंगी कि अभी तक हरियाली कितनी उगी हुई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको हरियाली कितनी उगी है और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगी घोगा की आरती में, फुल देई की आरती में, जिससे कि गढ़वाली में फुल देई को घोगा माता बोलते हैं। तो वहाँ की आरती दिखाऊंगी। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आप सभी लोगों को हरियाली। तो फ्रेंड, इतनी हरियाली हमारी जम गई है। आज इन हरियाली को छठवां दिन है और इतनी हरियाली तो जम गई है। खाना भी चढ़ाया हुआ है, आज का खाना मम्मी ने चढ़ा दिया है और आप देख सकते हो इतनी हरियाली जम चुकी है। 15वें दिन तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पर इस पर हवा लगने नहीं देने, इसलिए मुझे ये बंद करना पड़ेगा जल्दी। तो फ्रेंड्स, आपने देख ली होगी हरियाली काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अभी छठवां दिन है हरियाली के लिए तो काफ़ी जम गई है। आगे 15 दिन तक तो बहुत जम जाएगी और फिर उसके बाद उसे मंदिर में ले जाएंगे। तो अभी मैं आप सभी लोगों को ले जाती हूँ घोगा माता की आरती में। जैसे
आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलूंगी आपको जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।